नमस्कार स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम हरियाणा जीके से संबंधित जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो है भी ज़िला फरीदाबाद। पता है आपको कि हमने हरियाणा ज़िलों की सीरीज शुरू कर रखी है और इसमें 14-15 ज़िले हम आपके कम्प्लीट करवा चुके हैं। तो आइए आज जाने फरीदाबाद के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सागर क्लासेज रोहतक में स्वागत है। ज़िला फरीदाबाद, देखिए सन 1607 जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा बसाया गया? जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा यह बसाया गया। स्टूडेंट्स, जहांगीर जो है ये मुग़ल शासक थे, जहांगीर। और ये स्टूडेंट्स बता दें आपको, जहांगीर जो है वो अकबर के बाद गद्दी पर बैठे थे। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे थे। इनको स्टूडेंट्स चित्रकारी का बादशाह भी कहा जाता है। चित्रकला मुगल काल में इनके समय में चरम उत्कर्ष पर थी और न्याय की जंजीर के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं। तो नेक्स्ट देखें, बाबा फरीद एक धारणा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, बाबा फरीद के नाम पर इस जो ज़िले का नाम पड़ा वो फरीदाबाद पड़ा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको स्टूडेंट्स देश रत्न भी कहा जाता है, देश रत्न की उपाधि इनको प्राप्त थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कौन सा था? फरीदाबाद था। और ये एक औद्योगिक नगरी के लिए फेमस है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स? फरीदाबाद में है, सबसे ज़्यादा उद्योगों के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है देखिए, इसकी जो स्थापना है, स्थापना स्टूडेंट्स इसकी 15 अगस्त 1979 को हुई और यह गुरुग्राम जिले से अलग करके बनाया गया था। किस जिले से अलग हुआ था? गुरुग्राम से अलग हुआ था। कब स्थापना हुई थी? 15 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल, यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो देखिए 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल जो है स्टूडेंट्स वो फरीदाबाद का है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो है वो सिरसा का है। सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सबसे कम फरीदाबाद का है। नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर पर आ जाए तो स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर पर जो स्थान है वो पंचकूला का है, कम क्षेत्रफल में। कई बार ये पूछ लेता है निम्न में से किस ज़िले का क्षेत्रफल सबसे कम है, उसमें फरीदाबाद को ऑप्शन से हटा देगा और पंचकूला को डाल के कोई 3 अन्य ज़िले और दे देगा, तो ऐसे में हमारा आंसर चला जाएगा पंचकूला। लेकिन यदि फरीदाबाद दे रखा है तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है स्टूडेंट्स? फरीदाबाद का है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जनघनत्व स्टूडेंट्स यहाँ पे 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं, जो हरियाणा में सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनघनत्व जो है स्टूडेंट्स वो फरीदाबाद का ही है, 2442 या 2442, 2442, यानी कि 24 इसका उल्टा लिख देना है, बिल्कुल आसान है, 2442 सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। सबसे कम देखें तो स्टूडेंट्स 303 है यहाँ पे आपका सिरसा, 303 सिरसा का है सबसे कम। और यदि मैं जनसंख्या की बात करूँ तो स्टूडेंट्स लगभग 20 लाख ऑप्शन में भी आ जाता है, एग्जैक्ट जो है वो 18 लाख 9733 ये इसका है लगभग में, ये 20 लाख के नज़दीक इसकी जनसंख्या है। यदि नगरीय जनसंख्या देखें तो स्टूडेंट्स सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या भी फरीदाबाद की है। नगरीय जनसंख्या में सेकंड स्थान जो है वो गुरुग्राम का है, ध्यान रखना है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? फरीदाबाद की है। दूसरा स्थान जो है स्टूडेंट्स इसमें किसका है? गुरुग्राम का है। और एक चीज़ और यहाँ यूनिक आंकड़ा यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक बार सबसे कम शहर भी फरीदाबाद में है। हरियाणा में किस ज़िले में सबसे कम शहर है? फरीदाबाद में है, जबकि सर्वाधिक जो है वो अंबाला में है। अंबाला में लगभग 15 शहर हैं स्टूडेंट्स जो सर्वाधिक है, सबसे कम जो शहर है वो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, इसमें कहता है अब फरीदाबाद में वो कौन सी चीज़ है जो हरियाणा में पहली है। तो देखिए, हरियाणा का पहला नगर निगम 1994 में बना स्टूडेंट्स, हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद था। वर्तमान में जो है इनकी संख्या 10 है हरियाणा में, लेकिन पहला नगर निगम हरियाणा का जो है स्टूडेंट्स वो फरीदाबाद रहा। अब देखिए, अब संख्या कितनी है इनकी नगर निगम की? 10 संख्या है। और सर्वाधिक मलिन बस्तियाँ भी कहाँ पर हैं? फरीदाबाद में हैं। नेक्स्ट, पहली गैसीय आधारित तापीय परियोजना,
पहली जो है गैसीय आधारित तापीय परियोजना फरीदाबाद में, ये 1500 मेगावाट की परियोजना स्टूडेंट्स, पहली गैसीय आधारित तापीय जो योजना है वो भी फरीदाबाद में थी। नेक्स्ट वर्चुअल कोर्ट, पहला वर्चुअल कोर्ट जो है ये स्टूडेंट्स 17 अगस्त 2019 को स्थापित किया गया, और ये ट्रैफिक चलान ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रैफिक चलान का निपटारा करने के लिए है कोर्ट की व्यवस्था थी, तो ऐसा करने वाला फरीदाबाद पहला था। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में कहता है स्पेशल कोर्ट, देखिए ये का इसका आपका देखिए पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय बता दें स्टूडेंट्स, हरियाणा में दो पर्यावरण न्यायालय हैं, एक तो फरीदाबाद में है और दूसरा हिसार में है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित स्पेशल कोर्ट, ये स्टूडेंट्स विशेष पॉइंट है, नोट डाल देते हैं, स्पेशल कोर्ट जो है पर्यावरण का करनाल में है, करनाल में स्पेशल कोर्ट है पर्यावरण का, और पर्यावरण न्यायालय जो हैं स्टूडेंट्स वो हरियाणा में दो हैं, एक फरीदाबाद दूसरा हिसार। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, फिर से देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में फरीदाबाद का जो है स्टूडेंट्स वो प्रथम स्थान था। नेक्स्ट देखें, फरीदाबाद के पूर्व में स्टूडेंट्स यमुना नदी बहती है, पूर्व में यमुना नदी बहती है, एक बार देख लीजिए ये स्टूडेंट्स फरीदाबाद का हमने एक दर्शाया गया है, मैप दर्शाया है। इसके स्टूडेंट्स यदि मैं पश्चिम की बात करूं फरीदाबाद के पश्चिम की, तो गुरुगांव जिला जो हो स्थापित है जिससे यह अलग हुआ था। यदि इसके उत्तर की बात करूं, उत्तर में स्टूडेंट्स दिल्ली स्थित, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। नेक्स्ट देखें, यदि मैं बात करूं इसके दक्षिण में, तो इसके दक्षिण में जिला पलवल है, जिला पलवल, और इसके पूर्व में जो है यमुना नदी है स्टूडेंट्स, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। प्रश्न पूछा गया था कि फरीदाबाद के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो फरीदाबाद के पूर्व में स्टूडेंट्स यमुना नदी बहती है। तो ये लोकेशन है एक NH2 स्टूडेंट्स, जो अब NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, तो एक और दो को मिलाकर के यह बनाया गया है, ये फरीदाबाद से गुजरता है। तो ये इसकी लोकेशन थी। उत्तर में यदि पूछ लिया जाए फरीदाबाद हरियाणा के किस दिशा में है, तो स्टूडेंट्स हरियाणा के दक्षिण दिशा में फरीदाबाद है, और फरीदाबाद के दक्षिण में क्या है, पलवल है। फरीदाबाद के उत्तर में क्या है, राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली है, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में स्टूडेंट्स गुरुग्राम जिला है, ये गुरुग्राम, और पूर्व में जो है यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, ये यहाँ पर बताया गया है NH2, अब इसका जो नाम है वो अब जो है NH44 हो गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है ये, फरीदाबाद से ही गुजरता है, ये जो दर्शाया गया है चित्र में। नेक्स्ट है YMCA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, YMCA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ है, फरीदाबाद में है, और इसका स्टूडेंट्स अब जो नाम है, इसका जो नाम है अब जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखा गया, यानी कि अब क्या कहलाएगी ये, जगदीश चंद्र बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में स्थित है। YMCA का पूर्ण रूप एक बार HSSC पूछ चुकी है स्टूडेंट्स, ये प्रश्न पूछ चुकी है, YMCA का यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, और बता दें स्टूडेंट्स सर्वाधिक क्रिश्चियन जो हैं वो फरीदाबाद में ही निवास करते हैं। यहाँ विशेष है सिख समुदाय से पूछ ले तो स्टूडेंट्स सिरसा में सर्वाधिक सिख समुदाय के लोग रहते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो मानव रचना विश्वविद्यालय है स्टूडेंट्स, वो मानव रचना विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट डॉक्टर अंबेडकर कौशल विकास विश्वविद्यालय, ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पे है, फरीदाबाद में स्थित है। एक फरीदाबाद का गाँव है स्टूडेंट्स तिगांव, इन इसको स्टूडेंट्स अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है, अमर शहीदों का गांव तिगांव कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रसिद्ध कवि, यहाँ 14वीं शताब्दी में ईश्वरदास प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ईश्वरदास जो यहीं से संबंधित थे स्टूडेंट्स, और इनकी प्रमुख रचना थी सत्यवती कथा और अंगद पैजा, और भाई आपका भारत विलाप, ये ईश्वरदास की प्रमुख रचनाएं थी। एक प्रसिद्ध जो कवि थे स्टूडेंट्स सूरदास भी फरीदाबाद के सी ही गांव से संबंधित थे, और ये प्रश्न भी जो परीक्षाओं में HSSC पूछ चुकी है कि सूरदास का संबंध कहां से था, तो सी ही फरीदाबाद से संबंध था इनका, और ये अकबर के समकालीन थे। बता दें स्टूडेंट्स 1556 से 1605 जो हो अकबर मुगल बादशाह थे, तो उनके समकालीन थे सूरदास, और इनकी रचनाएँ कई बार पूछता है, सूर सागर
वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य लहरी, सूर सरावली और नल दमयंती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से फरीदाबाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग जैसे ट्रैक्टर उद्योग, बता दें स्टूडेंट्स हरियाणा में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर फरीदाबाद में बनते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हरियाणा में बनते हैं। पूछा गया था SSC के द्वारा कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हरियाणा है, और हरियाणा में ज़िला कौन सा है, तो वो फरीदाबाद है। एक बाटा जूते, दूसरा जो बाइक स्टूडेंट्स ये राजदूत बाइक अब बंद हो चुका है, ये भी फरीदाबाद में बनता था। नेक्स्ट एयर कंडीशनर, कूलर, रेफ्रिजरेटर और ट्यूब टायर। ट्यूब टायर में स्टूडेंट्स फरीदाबाद बल्लभगढ़ में स्थित है गुड ईयर टायर कंपनी, काफ़ी फेमस कंपनी है गुड ईयर टायर कंपनी, ये भी फरीदाबाद में स्थित है। इतने उद्योग होने के कारण स्टूडेंट्स फरीदाबाद को उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखें हिना मेहंदी, प्रसिद्ध जो मेहंदी है स्टूडेंट्स हिना मेहंदी, ये भी फरीदाबाद में ही बनती है, और यह जो क्षेत्र है विश्व भर में पुराने समय में स्टूडेंट्स मेहंदी के लिए प्रसिद्ध था, मेहंदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध था यह क्षेत्र। जिस तरह से शीशा उद्योग के लिए पुराने समय में अम्बाड़ा प्रसिद्ध था, इस तरह से मेहंदी उद्योग के लिए यह क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिए रजनीगंधा, ये स्टूडेंट्स फूल है रजनीगंधा और ग्लेडियोलस, ये फूल सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये फरीदाबाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट NIAW, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स NIAW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, ये स्टूडेंट्स बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 16 जनवरी 1999 को की गई थी। स्थापना कब की गई, 16 जनवरी 1999 को बल्लभगढ़ में है ये। बल्लभगढ़ को बता दें स्टूडेंट्स अब बलरामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, बलरामगढ़, ये जो महाभारत में श्री कृष्ण जो थे उनके भाई थे बलराम, तो उनके नाम पर ये नाम पड़ा है, बल्लभगढ़ से क्या कर दिया गया, बलरामगढ़ कर दिया गया। नेक्स्ट देखें हरियाणा राज्य का खेल परिसर का स्टेडियम, हरियाणा राज्य का खेल परिसर का स्टेडियम स्टूडेंट्स ये भी कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखें जब स्टूडेंट्स देश आज़ाद होता है तो पूरे भारत में विस्थापितों के लिए 10 नगर शहर बसाए गए थे, 10 नगर बसाए गए थे, उनमें से 2 नगर जो है वो हरियाणा में बसाए गए। एक तो बसाया गया कहाँ पे, फरीदाबाद, देखिए एक तो ये फरीदाबाद में बसाया गया था और दूसरा नीलो खेड़ी करनाल, ये स्टूडेंट्स करनाल में है, जो हम जिला कर चुके हैं करनाल, तो नीलो खेड़ी करनाल में बसाया गया। एक भारत में कितने बसाए गए थे, 10 नगर बसाए गए थे। नेक्स्ट फरीदाबाद में एक जगह है स्टूडेंट्स तिलपथ, तिलपथ जो जगह है पहले इसका नाम होता था तिलपरस्त, ये स्टूडेंट्स तिलपरस्त जो है महाभारत काल में काफ़ी फेमस प्रसिद्ध नाम था। बता दें पांडवों ने स्टूडेंट्स पांडवों ने महाभारतकालीन 5 नगर जो थे, जो पांडवों ने स्टूडेंट्स किससे मांगे थे, कौरवों से मांगे थे, ये कहा था युधिष्ठिर ने कि यदि मेरे को दुर्योधन ये 5 नगर दे दे तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि मैं पांडवों को सुई की नोक रखी जाए इतनी ज़मीन भी नहीं दूंगा। तो इस तरह से वो नगर कौन कौन से थे, HSSC बार बार ये पूछता है कि वो कौन कौन से नगर थे, तो एक तो था स्टूडेंट्स वानप्रस्थ, एक था स्टूडेंट्स सोनप्रस्थ, ये आपका वो पानप्रस्थ था स्टूडेंट्स, ये पानप्रस्थ जो वर्तमान में पानीपत है, एक सोनप्रस्थ था जो वर्तमान में सोनीपत है, एक इंद्रप्रस्थ था जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, एक बाघप्रस्थ ये स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में, और एक तिलप्रस्थ जो है ये फरीदाबाद में स्थित है। तो ये 5 नगर इससे संबंधित हैं। एक स्टूडेंट्स HSSC जब भी एग्ज़ाम लेती है तो वो किसी भी एग्ज़ाम को जो है वो महाभारत से अछूता नहीं रखती, हरियाणा का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जिसका महाभारत से कोई ना कोई संबंध नहीं रहा हो। तो आप महाभारत को अच्छे से देख के जाना है, जिस तरह से युद्ध कितने दिन चला भाई 18 दिन युद्ध चला, पर्व कितने हैं अध्याय मतलब, तो 18 पर्व हैं, पारथ कौन था, देवव्रत कौन था, तो हम एक वीडियो स्पेशल जो है 2 से 3 इसके पार्ट महाभारत के भी डालते हैं, महाभारत ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए राजा नाहर सिंह, ये नाम भी फरीदाबाद में काफ़ी फेमस और चर्चित रहा है, जिस तरह से प्राचीन समय में सूरदास रहा, सूरदास के बारे में हमने पढ़ा अभी, इसी तरह से राजा नाहर सिंह ये फरीदाबाद से संबंधित थे स्टूडेंट्स, और
1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले जो थे राजा नाहर सिंह थे। नेक्स्ट देखिए, राजा नाहर सिंह के नाम से फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह हवेली है। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पहले ये होता था स्टूडेंट्स बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, लेकिन बल्लभगढ़ अब जो वर्तमान में बलरामगढ़ है, तो बलराम से इसका नाम क्या, अब ये जो स्टेडियम है राजा नाहर सिंह जो स्टेडियम है ये मेट्रो स्टेशन, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेडियम इसका नाम रखा गया है। तो हवेली भी, मेट्रो भी, और भाई आपका मेट्रो स्टेशन भी, और एक स्टेडियम भी। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है, स्पेशली HSSC पूछ चुकी है। ये HSSC ने पूछा कि नाहर सिंह जो स्टेडियम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी फरीदाबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजा नाहर सिंह, यहाँ पर नोट है स्टूडेंट्स, विशेष पॉइंट है, राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य, बता दें हरियाणा में कुल 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं, और नेशनल पार्क कितने हैं, 2, एक तो सुल्तानपुर एक कलेसर, 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। उनमें से राजा नाहर सिंह तो संबंधित हैं स्टूडेंट्स ये फरीदाबाद से, लेकिन इनके नाम से वन्य जीव अभयारण्य जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि भी इनके नाम से जो वन्य जीव अभयारण्य है वो रेवाड़ी में स्थित है। एक बहुत प्रसिद्ध जो झील है बड़खल झील और स्टूडेंट्स दोध झील, ये भी स्टूडेंट्स बता दें आपको फरीदाबाद में ही स्थित हैं। गोपाल गोपाल सिंह, ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में गोपाल सिंह, ये से ही जहाँ से सूरदास संबंधित है फरीदाबाद से संबंधित हैं, और ये जाट रियासत के संस्थापक हैं, जाट रियासत के जो है वो संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखें, सोनू निगम, सोनू निगम और ऋचा शर्मा, ये दोनों स्टूडेंट्स गायक हैं, सोनू निगम और ऋचा शर्मा फरीदाबाद से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट अजय बत्रा क्रिकेटर, ये भी स्टूडेंट्स फरीदाबाद से ही संबंधित हैं। एक मयूर झील जिसको पुराने समय में मयूर झील बोलते थे स्टूडेंट्स, अब वहाँ सूरजकुंड मेला लगता है, कुंभा मेला, ये दोनों मेले फरीदाबाद के प्रसिद्ध मेले हैं स्टूडेंट्स। सूरजकुंड मेले के बारे में अब की बार 2020 में 34वां भरा था, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप जो सूरजकुंड मेले से संबंधित जो भी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट देखें, ख्वाजा की मज़ार, ख्वाजा की मज़ार भी यहाँ स्थित है, बाबा फरीद टॉम्ब, ये भी स्टूडेंट्स स्थित है फरीदाबाद में। नेक्स्ट मेघपाई टूरिस्ट केंद्र, ये भी फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में ही मेघपाई टूरिस्ट केंद्र स्थित है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपका फरीदाबाद जो है वो कंप्लीट होता है, और इसके बारे में जो भी HSSC पर्सन पूछेगी तो यहाँ इस कवरेज में वो पर्सन आपका शामिल हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सागर क्लासेस रोहतक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वही जो है मेरा मेहनताना होगा, आप जो सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे ये है। इससे संबंधित कोई भी यदि सुझाव है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो अमल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं ओवर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, और जय भारत स्टूडेंट्स, जय हरियाणा।